हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट की दुनिया में। दोस्तों, जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पूरी में निवास करने लगे। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ के चमत्कारों को जानकर कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। यहाँ हम आपको आज बताने वाले हैं कि भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम में कौन कौन से रोमांचक तथ्य हैं। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसके अलावा यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदल दिया जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है, जब लहराता है तो इसे लोग देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर दो, नई बंती गुंबद की परछाई। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 400,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। नंबर तीन, सुदर्शन चक्र। पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको वह सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर चार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर पाँच, गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। नंबर छह, दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोई और 300 सहयोगी के साथ बनता है। लगभग 2,000,000 भक्त यहाँ भोजन करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 7 बर्तन रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रसाद पकाने के लिए और सब कुछ लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन की सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पक जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है। नंबर 7, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार पर पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। आप एक ही कदम को पार करो तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस हो जाएगी। नंबर 8, रूप बदलती है मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की यह मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार नवीन कलेवर होता है। ये मूर्तियाँ नई जरूर बन जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी जाती है। नंबर 9, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्र दयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।